नमस्कार, मैं हूं नरेश्वर। ब्रॉडकास्ट मंत्रा में आपका स्वागत है। मैं इस समय जट्ठारी में हूं और ये मिनी सिसोली कहा जाता है और इसका नाम दिया था महेंद्र सिंह टिकैत ने, क्योंकि ये इलाका खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है और यहाँ की आजीविका भी खेती बाड़ी से होती है और मजदूरी से होती है। मैं पाकिस्तान के एक शायर कहते हैं कि तुमसे पहले भी एक शख्स यहाँ तख्त नशी था, जिसको अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। सरकार और किसानों के बीच जो गतिरोध है वो टूट नहीं रहा है, किसान मान क्यों नहीं रहे हैं, इसी पर बात करेंगे। मैं सबसे पहले आपसे कमांडो साहब जानना चाहूँगा कि किसान नेता के रूप में क्या कहेंगे आप? पहले तो धन्यवाद आपको कि आपने किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं, जहां सभी चैनल पीछे हट रहे हैं इस मुद्दे से, इस मूल समस्या से, किसानों की से आप आगे बढ़ के किसानों के लिए बात आगे बढ़ा रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कमांडो ओपी सिंह जट्टारी, जैसा कि आपने कहा था कि टप्पल जट्टारी सिसोली, ये बिल्कुल सही बात है कि महेंद्र सिंह टिकैत बाबा साहब ने इसका नाम मिनी सिसोली रखा था और ये आंदोलन का क्षेत्र रहा है, क्रांतिकारियों का क्षेत्र रहा है। तो आप जो किसानों की बात कर रहे हैं, अब समस्या में तो बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, हम समाधान की बात करते हैं और अब समाधान का ही समय है जो चल रहा है। जैसे गाड़ी में पहला गियर और दूसरा गियर तीसरा गियर लगता है, तो मुझे लगता है अब हम टॉप पे पहुंच चुके हैं, टॉप गियर पे गाड़ी चल चुकी है किसानों की, और सोचने पे मजबूर किसान हो गया है। जिस चीज़ के लिए पहले इन्होंने आरोप लगाते रहे कि इन्होंने लाल किले पे ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, जबकि अभी रिपोर्ट आई है, आपने देख लिया है, उसमें अपराधी पकड़े गए, किसानों का उसमें कोई ताल्लुक नहीं था। अब हम आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट की जो कहानी बता दें, सुप्रीम कोर्ट जो कि हम सबसे बड़ा सुप्रीम है हमारे न्याय प्रणाली का, क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये बात देखी कि ये जो कानून बनाई है, जो विधेयक लाए गए हैं, बिल लाए गए हैं, इसको कौन सी समिति तय करके लाई, और समिति में कहाँ के किसान थे, क्या विचार रखा गया, कौन से किसान उस समिति में जुड़े थे? तो संदेह जाता है इस बात पे सुप्रीम कोर्ट में। यही एक बड़ा सवाल है कि जब किसान संदेह जता रहे हैं इन कानूनों पर, लेकिन सरकार मान क्यों नहीं रही? क्या सरकार की मंशा किसानों की भलाई करने की है या फिर पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने की है? ये सवाल किसान उठा रहे हैं, इसकी बात हम करेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि किसान आंदोलन कर रहा है, लेकिन खेती में सुधार की बात बड़े लंबे समय से हो रही है, हर सरकार करती है, लेकिन इस सरकार ने जोरदार तरीके से 3 कृषि कानून लाए, आखिर किसान मान क्यों नहीं रहा? किसानों ने माना कि किसानों की जमीन उद्योगपतियों के बीच में चली जाएगी, इसलिए किसान नहीं मान रहा। ये कानून वापस होने चाहिए और किसानों की बात सुननी चाहिए। जय हिंद। जय हिंद। और यही जो जय हिंद का नारा है ये लगा रहे हैं, हालांकि जो लाल किले पे तिरंगा फहराया उस पर कहीं ना कहीं उसको खालिस्तानी कहा गया, लेकिन किसान आज भी जय हिंद का नारा लगाकर अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहा है। क्या नाम आपका? राज बहादुर सिंह गुल्ला, प्रधान काम और से। मुझे ये बताइएगा कि अब कैसा देखते हैं आप आंदोलन जो है, अब महापंचायत कर रहे हैं किसान जी। किसानों के लिए अब आंदोलन करना जरूरी है, रोजी रोटी कमाना जरूरी है, क्या कहेंगे आप? रोजी रोटी जरूरी है, हमारा तो बस एक ही नारा है कि ये जो बेल हैं वापस होना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। सरकार अपनी जो हट कर रही है, हट अच्छी नहीं होती है, जनता इसको देख रही है बहुत अच्छे तरीके से। और हमारे देश के अंदर सबसे ज़्यादा किसान है, किसानों की संख्या सबसे ज़्यादा है। किसान जो है, आपने देखा है कि इतने लोग कह रहे हैं बिल वापस लो, लेकिन चंद लोग मान ही नहीं रहे, ये अच्छी बात नहीं है। हट नहीं करनी चाहिए सरकार को, बिल वापस लेने चाहिए, हट नहीं करनी चाहिए। लेकिन सरकार का दावा है कि मोदी जी जो बार बार जो हट कर रहे हैं, चाहे वो 370 की हट की या फिर उन्होंने राम मंदिर की हट की और अब 3 कृषि कानून की जो बात की, ये हट है, लेकिन क्या ये किसानों की समस्याओं को दूर कर पाएगा? यही शंका अभी तक सरकार दूर नहीं कर पाई है। जी बताइए, क्या नाम आपका? मेरा नाम राम कुमार चौधरी है, मैं आगरा मंडल से भारतीय किसान यूनियन का प्रचार मंत्री हूँ। मुझे ये बताइए, अब आपका आंदोलन किस दिशा में जाएगा, क्योंकि सरकार तो मान नहीं रही है, आप मान जाइए। नहीं, हम नहीं मानेंगे, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है जो कि लोग अब समझने लगे हैं।
ये जो एक्ट इन्होंने लगाया है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, इसमें एक पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो कहीं पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो एक प्रतिबंध वहाँ लागू हो जाता है, एग्रीमेंट होता है। अभी एमपी में देखने को मिला है कि वहाँ ज़मीन का एग्रीमेंट हुआ और उस ज़मीन पर लोन उठाया और वो गवर्नमेंट की जो एजेंसियाँ थी वो चली गई और उसके लिए कुर्की का आदेश आया किसान का। और अभी आगे देख रहे हो आप 1250 रुपये, नहीं DAP अब 1400 मिलेगा अप्रैल से। तो ये मजदूर की आय दुगनी तो नहीं हो रही है, कहा था दुगनी होगी लेकिन खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, दुगनी नहीं हो रही है। गन्ने का 3 साल से रेट नहीं बढ़ा है, गेहूं को बोलते हैं कि MRP रेट इतना है, MSP रेट ये है। जब एक माचिस बनाने वाली कंपनी अपनी माचिस पर रेट डाल देती है कि 50 पैसे या 1 रुपया, व्यवसाय है उसका, लेकिन किसानों का व्यवसाय तो खेती है, तो उसे हक क्यों नहीं है कि अपने उस पे वो डाल सके बोरे पे या अपने प्रोडक्ट। सवाल आपसे पूछता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की आपने बात कही, ये तो यूपी में पहले ही हो रहा है, चीनी मिलों के साथ गन्ना किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं, आप जो बदलाव हो रहे हैं उससे कैसे छूट सकते हैं जनाब? उससे छूटने के लिए पहले क्या था कि किसान जो है सिर्फ खेती में लगा हुआ था, उसे उल्टा सीधा बहकाते रहते थे, किसान को पढ़ने नहीं दिया जाता था। आजकल की जो पीढ़ी है, पढ़ी लिखी पीढ़ी है, वो सब समझ रही है, वो समझ रही है। और यही वजह है कि जो किसान आंदोलन है वो लगातार बढ़ रहा है, किसान नेता अब आंदोलन करने का तरीका बदल रहे हैं। एक तरफ दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं तो दूसरी तरफ देश के विभिन्न हिस्सों में महापंचायत कर रहे हैं। लेकिन ये जो महापंचायत हो रही है इसको राजनीतिक दल इसमें शामिल हो गए हैं, क्या अब राजनीति के द्वारा कुछ बदलाव दिखता है आपको? कोई राजनीतिक दल नहीं है, किसान अपनी पंचायत कर रहे हैं, ना कोई वोट का वो है ना कोई कुछ है, अपनी बस लड़ाई खेती उसकी चल रही है, कानूनों की, बस कानून वापस हो, कोई राजनीतिक संबंध नहीं इसका। ये किसान आंदोलन विशुद्ध रूप से किसानों का आंदोलन है और उस आंदोलन को लेकर किसी भी तरह की राजनीति नहीं हो रही है, ये इनका दावा है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कितनी, एक सवाल ये हो रहा है कि बड़े जमींदार छोटे जमींदार, ये भी एक परिभाषा दी जा रही है कि छोटे किसानों को इसका फायदा होगा। छोटे ने कोई फायदा ना है, बड़े ने ज्यादा फायदा होगा, या बात को बड़े ने तो बता रहे हैं, ये सरकार बता रही है बड़े ने फायदा होगा, जैसे मतलब हमें तो हमारी फसल कोई भाव ना मिलो काउ टाइम 2022 से को भाव है मक्का को बिक्री यार से हमारे यहाँ। चलिए एक सवाल मेरे जहन में आया है कि यहाँ पर महेंद्र सिंह टिकैत ने इसको नाम सिसोली दिया था, कोई ऐसा शख्स है कि आज राकेश टिकैत के आंसू देखे और उन्होंने महेंद्र टिकैत की राजनीति देखी उसको कैसे देखते हैं, कोई है ऐसा जिसने बताया होगा? जी बताइए, क्या नाम आपका? मेरा नाम यशपाल सिंह है और मैं जट्टारी से ही हूँ। मेरा कहना यह है कि महेंद्र सिंह टिकैत ने यहाँ का नाम जो दिया वो हमारा टोटली क्षेत्र केवल कृषि और मजदूरी पर आधारित है, यहाँ कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं, कुछ नहीं। तो उस समय उन्होंने आंदोलन में हमने पूरे क्षेत्र ने उनका बहुत अच्छा साथ दिया। अब इस गवर्नमेंट ने जो भी ये कानून बनाए हैं, उन कानून बनाने से पहले कोई भी उनकी सुविधा इस तरह से नहीं देखी किसानों की जिससे कि वो आगे बढ़ सकें। अब कानून की आप भी बात कर रहे हो कि फ़ायदा मिलेगा ये मिलेगा, तो फ़ायदा तो तब मिल सकता है ना पहले जो MSP पे हमारी फसल बिकती थी, MSP की गारंटी हो, उसके बाद में कानून में संशोधन की जो बात चल रही है, कानून का संशोधन किया जाए, इसके थोड़ा भी कम किसान मानने वाले नहीं हैं। आंदोलन जारी रहेगा और हम इस आंदोलन को समर्थन पूरी तरह करते रहेंगे। आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप मुझे लगता है शायद कुछ आप राकेश टिकैत के आंसू के बारे में कुछ कह रहे थे। उनके आंसू के पीछे किसान जो है मर भी के लिए तैयार है, और जैसे ये जो है नेता पहुंचे हुआ टाइम पे तो उन्हें बहुत बढ़िया करो, तो आंसू की बदौलत है। और जो किसान यह बात है ना देखेगा तो फिर देखेगा, कहा अपन जब आदमी रो रो है तो फिर देखे वो कहा कौन देखेगा। तो कहते हैं ना कि जब दिल के आंसू आते हैं तो आंदोलन
मजबूत होता है और आंसुओं की भी एक भाषा होती है और उस भाषा को किसानों ने पकड़ा है और खासकर जो जट्ठारी है, जो एक मिनी सिसोली है, उससे यहाँ बड़ी तादाद में किसान पहुँचे हैं। जी अब बताइए, क्या नाम आपका? ये सचिन कुमार बाल्यान नाम है मेरा और मैं किसान का बेटा हूँ और किसी पार्टी का कोई प्रवक्ता नहीं हूँ। देखिए मैं कहना, ये बताइए पहला सवाल आपसे बाल्यान साहब, आप खेती की बात करें, जो नई पीढ़ी है वो तो खेती करना नहीं चाहती, ये भी तो एक बड़ी चुनौती किसानों के सामने है। देखिए हमारे पिताजी खेती कर रहे हैं तो अभी हमारी जॉब नहीं लगी, जब सरकार ने किया था कि 2 करोड़ जो रोजगार प्रत्येक साल में मिलेगा, अब हमें कहीं नौकरी नहीं मिली तो हम जो अपने दादा की जमीन है खेती करके अपना पेट भरेंगे और क्या करेंगे। और इससे दुर्भाग्यपूर्ण कोई और बात नहीं हो सकती है कि आज जो किसान अन्नदाता का जिसे दर्जा दिया गया है वो सड़कों पर पड़ा है। मोदी जी ने कहा था कि किसान हमारे देवता हैं और मोदी जी जो अंबानी के जो नाती हुआ था उसको देखने के लिए वहाँ से 1500 किलोमीटर दूर जाके पहुँच गए और घर से निकलते हुए 2 गज की दूरी पर उन्होंने किसान से जाकर उनका हाल नहीं जाना कि क्या हो रहा है किसानों के बीच में जाकर। चलिए आपने सवाल उठाया कि वोट बैंक बड़ा है या फिर थैली बड़ी है, ये एक सवाल है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कमांडो साहब, आप इस आंदोलन का क्या देख रहे हैं आप? देखिए मैं मानता हूँ जितना समय गुजरा है इसको मैं शुरुआत मान के चल रहा हूँ आंदोलन की शुरुआत। टीवी चैनल दिखा रहे हैं कि आंदोलन का उतार है, मैं कहता हूँ ये आंदोलन की आग की शुरुआत है। अभी तो आग बढ़ानी है, अभी तो आग बहुत दूर तक जाएगी, अभी तो जनता उठनी शुरू हुई है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रोपेगेंडा चलाया चैनलों के द्वारा दिखाया, जो राष्ट्रीय चैनल थे उनको खरीद लिया, खरीदने के बाद जनता को दिखाएगा। अब किसानों ने सोचा हो सकता है भाई हम गलत हों, हम मतलब वहाँ पर लाल किले पर गलत हुआ हो। जब चीज़ें छटी सच्चाई सामने आई तो इतनी हुंकार भर दी है यहाँ पे क्षेत्र के अंदर के मर मिटो, जाके अपने किसान नेता वहाँ बैठा हुआ है उसको नेतृत्व को हम मजबूती नहीं देंगे तो हम किस काम के, हमारा इंजन खराब है तो डिब्बे किस काम के। तो भाई जी यहाँ तो जो समझो, मेरे से किसी पत्रकार ने वहाँ पे जब मैं गया था वहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे, किसी पत्रकार ने पूछा कि जी किसान की परिभाषा, मैं बोला किसान की परिभाषा सीधी सी, आप अनाज खाते हो? हाँ। तो मैं बोला किसान नहीं हुए आप, किसान का आप अन्न खा रहे हो, किसान का उपयोग कर रहे हो, उपभोग कर रहे हो उसका, तो आप भी किसान हुए क्यों? किसान के बोला फिर मोदी जी, मैं बोला मोदी जी क्या खाते हैं बताओ, तो बोले मोदी जी भी अन्न खाते हैं, तो मतलब मोदी जी अपना अन्न छोड़ दें खाना, मोदी जी अपना लकड़ी हटा दें अपने वहाँ से जिस बिस्तर पर सोते हैं वो भी हटा दें, तो मोदी जी पे बचेगा क्या, रसोई में एक चीज़ नहीं बचेगी खाने के लिए उनके पास, अगर किसान अपनी चीज़ों को ना दे तो या वो ना ले तो, अगर इतने शर्मदार हैं मोदी जी तो फिर किसान का लिया हुआ खाना बंद कर दें, खाना बंद कर दें। चलिए एक आखिरी सवाल, मैं आपसे एक सवाल इनसे पूछता हूँ, जी बताइए क्या ना बड़े भाई, मैं आपके पहले जो अभी बाल्यान साहब से आपने सवाल किया था मैं उसका जवाब दूंगा। आप अभी कह रहे थे मैं भी एक किसान पुत्र हूँ, किसान हूँ, कि किसान खेती करना नहीं चाहता। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो नारा दिया था जय जवान जय किसान, सरहदों पर जितने भी जवान हैं वो हमारे हैं, हमारे बेटे हैं, हमारे भाई हैं, और खेत में जो मजदूर हैं और जो खेती कर रहे हैं वो भी हमारे हैं, हम हैं हम लोग, तो आप बताइए देश को कौन रखा रहा है। खैर सवाल ये था कि जो आपकी किसान की जो नई पीढ़ी आ रही है वो खेती से जाके दूसरे बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान दे रही है, ये आपके किसान नेता कह रहे हैं और ये तथ्य भी बता रहे हैं। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जब हमारी फसल को गवर्नमेंट बिल्कुल मतलब सीमित रेट पर नहीं खरीद पा रही है तो बताइए किसान कहाँ फिर बच्चों को कैसे करेगा, तो किसान इधर से उधर सवाल जाएगा। इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया कि जब खेती घाटे के या सौदा हो चुकी है और ऐसे में सरकार उनकी जमीन 3 कृषि कानूनों के हाथ भी देना चाहती है पूंजीपतियों के हाथ में, तो ऐसे में किसान कहाँ जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति और आप बने रहें ब्रॉडकास्ट मंत्रा के साथ।